नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 47 में, वार्ड नंबर 21 में। यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सतपाल जैन जी। उनसे नगर निगम चुनावों के बारे में जानते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है भाजपा की रहने वाली है। 24 तारीख को जो है यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है और 27 तारीख को नतीजे आएंगे। पार्टियों के प्रत्याशी भरपूर जोर लगा रहे हैं अपने अपने वार्डों के अंदर। आइए सतपाल जैन जी से जानते हैं कि किस तरह की स्थिति भाजपा की रहने वाली है। नमस्कार सर, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि 24 दिसंबर को होने वाले नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे बहुमत से अपने दोबारा निगम में सत्ता में आएगी और आगे को चंडीगढ़ के विकास को और तेज गति दी। सर, कुछ वार्डों के अंदर जिस तरह बागी खड़े हैं भाजपा के, तो उससे किस तरह का नुकसान है या कि भाजपा के उम्मीदवारों की पोजीशन स्ट्रांग है? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो कुछ नुकसान तो होता है। कितनी भी मजबूत बिल्डिंग हो, अगर उसमें से एक भी ईंट निकलती है तो उसकी स्ट्रेंथ पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि चुनाव चुनाव है, कुल मिलाकर संगठन जब चलने लगता है तो छोटी मोटी जो इधर उधर कहीं कोई घटनाएं हुई होती हैं उसका कुछ बहुत असर नहीं पड़ता। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोगों की बाकी खड़ा होने के बावजूद भी, कुछ जगह इधर उधर से और ऐसी चीज़ें आने के बावजूद भी, मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन कुल मिलाकर जो आगे बढ़ा है वो इस सारे संकट से भी पार हो सके। केंद्र सरकार के कुछ मुद्दे हैं जो, जैसे महंगाई एक बड़ा मुद्दा जो है, कांग्रेस आरोप लगा रही है इन इलेक्शंस में, और स्वच्छता में जो है रैंकिंग यहाँ चंडीगढ़ की काफ़ी नीचे गिरी है। तो आप क्या मानते हैं कि लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे इसके अंदर असर करेंगे यहाँ पे? देखिए, हर चुनाव के अपने अपने मुद्दे होते हैं। नगर निगम चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अपने मुद्दे होते हैं। ये चुनाव नगर निगम का, जिस कारण नगर निगम के चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीज़ें कुछ विषय रहते हैं और रह भी चुके। वो विषय आपने बताया, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान में चंडीगढ़ का पिछड़ना हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है और मुझे लगता है सबको प्रयास करके आगे आना चाहिए। लेकिन जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो ये बात भूल रहे हैं कि चंडीगढ़ स्वच्छता अभियान में नंबर 3 पर भी तब आया था जब भाजपा के दिनेश मोदगिल महापौर थे। कांग्रेस के दौर में तो नहीं आया ना, कांग्रेस के दौर में तो कहीं कोई स्थान था ही नहीं। जहाँ तक महंगाई का तालुक है, ये ठीक है महंगाई है, लेकिन महंगाई कांग्रेस के राज में तो इससे भी ज़्यादा बढ़ी थी। लोग इस बात को समझते हैं, महंगाई का मुद्दा सरकार एक्सप्लेन कर रही है। महंगाई कांग्रेस के राज में तो इससे भी ज़्यादा बढ़ी थी। लोग इस बात को समझते हैं, महंगाई का मुद्दा सरकार एक्सप्लेन कर रही है कि ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है, बहुत सारे कारण हैं जिस कारण महंगाई हुई है। और महंगाई के बावजूद भी जो मोदी सरकार ने गरीब लोगों को राहत दी है, सीधा सब्सिडी उनके अकाउंट में जा रही है, किसानों को राहत दी है, राशन कार्ड समाप्त किया, बिचौलिए समाप्त किए, मुझे लगता है उसका भी लाभ हमको चुनाव में मिलेगा। 13 गांव जो है निगम के चुनाव में शामिल करे गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मतदाता है, जैसे जट सिख कह लो या जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन गांव के अंदर उनकी काफ़ी अच्छी बैठ है, काफ़ी वोट है, तो क्या वो मुद्दा जो है असर करेगा इलेक्शन में? देखिए, पहली बात तो ये कि चंडीगढ़ में ये जाति पाति वगैरह का असर उतना नहीं होता जितने पक्षी के होता होगा। यहाँ सब लोग मिलके रहे, सब धर्मों के। दूसरी बात, अब किसान आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है, किसान भी वापस लौट आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब इसका कोई तनाव समाज में नहीं है। और किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद सभी वर्गों के लोग, चाहे किसान हैं, चाहे किसान मजदूर हैं, दुकानदार हैं, कोई भी है, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ तक फ्रीबीज की लेके बात है, बहुत सारी कुछ पार्टियां जो हैं चुनाव आंदोलन में उतरी हैं और फ्रीबीज देने की बात करें कि बिजली पानी मुफ्त देंगे, आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में यहाँ पे चंडीगढ़ जैसे शहर में वो पार्टियां ऐसा कर पाएंगी? देखिए, जहाँ तक मुफ्त बिजली पानी वाली कोई जिम्मेवार पार्टी ये बात कहे जिसकी केंद्र में सरकार है, चंडीगढ़ में सरकार है, तो समझ में आती है। आपका तो ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप दिल्ली केंद्र में सरकार में नहीं है, चंडीगढ़ में आने की कोई संभावना नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, आप कैसे दे दोगे सारी चीज़ें? चंडीगढ़ के अंदर कानून बिल्कुल भिन्न है। यहाँ तक पर ये केंद्र शासित प्रदेश है, जो भी नीति आपने लागू करनी है केंद्र सरकार से उसकी अनुमति लेनी होती है। इसलिए कुछ लोग बिना जिम्मेवारी के कुछ भी कहो तो कहेंगे चांद भी फ्री ला के दे देंगे, हम आपको सब कुछ फ्री दे देंगे। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के पढ़े लिखे लोग, फ्री देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं,
फ्री देने का मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, एक आदमी पैसा दे रहा है, दूसरे का लाभ आप किसी और को दे रहे हो, तो ये इतना सरल विषय नहीं है। इस पर भी कहीं ना कहीं बैठकर विचार करना पड़ेगा। टैक्स कोई पे करेगा, उसमें से फ्री किसी को देंगे आप? ये विषय है जो चिंता करने वाले हैं। लेकिन जैसे ये फ्रीबीज वाला मुद्दा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया और अपनी पिच के ऊपर जो है बड़ी पार्टियों को खेलने के लिए मजबूर करा, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा भी जो है अब लैपटॉप और मोबाइल फोन स्मार्टफोन देने का जो है मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस भी जो है स्कूटी देने का मुफ्त में युवाओं को मुद्दा उठा रही है, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने अपनी पिच पे बुला के आपको बैटिंग करानी शुरू कर दी? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। मैं कहता हूँ देश की ओवरऑल आत्मा को सभी पार्टियों को मिलकर विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर है, एक राज्य में एक पार्टी सत्ता में है, दूसरे में दूसरी हो सकती है, केंद्र में भाजपा है, ये कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इस पर बैठकर एक कंसेंसस करना चाहिए कि सरकारें कहां तक चीज़ें मुफ्त दे सकती हैं। आज हर सरकार पैसे के क्रंच से जूझ रही है। सातवां पे कमीशन इसलिए लागू नहीं कर रही पंजाब सरकार, नहीं कर पा रही क्योंकि पैसा नहीं है। तो इस स्थिति में आप एक वर्ग को तो उसकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों को आप कहो कि हम ये मुफ्त देंगे वो देंगे। मुझे लगता है कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए और सभी पार्टियों को बैठकर एकमत होना चाहिए। लीज होल्ड से फ्री होल्ड और दूसरा जो है लाल डोरे का मुद्दा, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका की सेंटर के स्तर पे हल होना है। अभी तक पिछले कई सालों से भाजपा की भी सत्ता रही, कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन ये मुद्दे आज भी हल नहीं हो पाए, लोग इससे परेशान हैं चंडीगढ़ के। आपका क्या कहना है? जहाँ तक फ्री होल्ड करने का इशू है, ये इशू लगातार हमने उठाया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि जब श्री शिवराज जी पाटिल जो यहाँ राज्यपाल बनने से पहले कांग्रेस के सरकार के गृह मंत्री थे और रिस्पेक्टेबल आदमी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो इस विषय पर फाइल में 2-3 पेज का बहुत बड़ा नोट लिख कर गए इसके खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए, लिख कर गए हुए हैं वो रिकॉर्ड पे। तो उस कारण से इस विषय को नए सिरे से खोलने में और नए सिरे से इसका हल करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय में इसका समाधान निकलेगा और इसको। भाजपा का गठबंधन जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के हैं उनके साथ हुआ है पंजाब के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जो ये चुनाव है नगर निगम के चंडीगढ़ के, वो पंजाब के चुनाव के ऊपर कितना असर डालेंगे? मैंने कहा ना, हर चुनाव का अपना अपना मुद्दा होता है, हर चुनाव के अपने अपने विषय होते हैं, और कोई एक चुनाव का बहुत ज़्यादा असर कहीं होता हो ऐसा मैं मानना तो क्या नहीं। कई बार हुआ चंडीगढ़ नगर निगम में एक पार्टी जीती है, पंजाब में दूसरी पार्टी जीती है, हरियाणा में तीसरी पार्टी जीती है, लेकिन जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ समझौते का प्रश्न है उसका हर ओर स्वागत है। चंडीगढ़ के भी लोग जो पढ़े लिखे थे वो महसूस करते हैं कि दो राष्ट्रवादी ताकतें, भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, दोनों राष्ट्रवादी ताकतें इकट्ठी आई हैं, इसका चंडीगढ़ में हमको लाभ होगा, इसका हमारे पक्ष में। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चंडीगढ़ के? मैं सिर्फ उनसे इतनी बेनती करना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सब नीतियाँ सब निर्णय केंद्र सरकार की अनुमति से होते हैं, हमें ग्रांट इनिट केंद्र से आती है, चंडीगढ़ का बजट भी गृह मंत्रालय के बजट का पार्ट होता है जो संसद में पेश होता है, केंद्र में हमारी सरकार है, सांसद हमारा है, और इसलिए नगर निगम में भी अगर भाजपा होगी तो ये तीनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, उससे चीज़ें होने में सरलता रहेगी, तीनों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा। जैसे एक स्कूटर होता है, उसके दोनों पहिए अगर एक ही स्तर के होंगे तो स्कूटर तेजी से भागेगा, एक कार के चारों पहिए और टायर एक ही तरह के होंगे तो ज़्यादा तेजी से भागेगी, एक कहीं स्कूटर का लग जाएगा दूसरा साइकिल का लग जाएगा, पर वो गाड़ी भाग नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। इसलिए लोगों से मेरा निवेदन है, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीधे वो चंडीगढ़ में रहे हैं, चंडीगढ़ का हमारा सीधा उनके साथ संपर्क है, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, कुल मिलाकर सारे राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए, सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है उसको देखते हुए, छोटी मोटी चीज़ कहीं हो भी उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ही मौका दिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सतपाल जैन, जिनका कहना है कि अगर नगर निगम में भाजपा को लोग जितवाते हैं तो केंद्र में भाजपा की सरकार एक कोऑर्डिनेशन जो है आपस में रहता है और पूरी ग्रांट जो है नगर निगम तक भी पहुंचेगी और लोगों के काम हो पाएंगे। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।